हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना सोना सिंह, आप सभी का स्वागत है सपना सिलाई सेंटर में। तो देखिए, आज मैं आप लोग के यहाँ की स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। तो इसकी कटिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो कटिंग का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने बताऊँगी। तो फुल ब्लाउज की फुल स्टिचिंग है। तो देखिए, यहाँ पर पहले मैंने बॉर्डर की कटिंग की है, तो इस बॉर्डर से मैं इस सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से उल्टे कपड़े की तरफ से हम बॉर्डर को पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक सीधे में सिलाई लगाई है। इसको फोल्ड करते हुए हम अच्छे से दूसरी तरफ से पलट लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पलटने के बाद ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद इसे बाहरी साइड से भी थोड़े से कपड़े को फोल्ड करते हुए हम बॉर्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक सिलाई लग चुकी है। ठीक इसी तरह हम दूसरे की भी सिलाई लगा लेंगे। तो सेम इसी तरह इसकी भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे दोनों की सिलाई हो चुकी है। अब हम इसकी बीच की पट्टी की सिलाई करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले उल्टे में इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, पहले तिरछे में जो कटिंग की है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। इसको हम कट लगा लेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे ना पलटने में आसानी होगा। देखिए, हम बीच में आप छोटे से कट लगा लिया, उसके बाद हम इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए पलट लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पलटने के बाद ऊपर से इसके भी ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद हम इसको बराबर में मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, इसकी बराबर मार्किंग कैसे करनी है। तो इस तरह से दोनों पार्ट को रखते हुए हम बराबर में मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हाफ इंच को रखते हुए हम मार्क कर लेंगे। सिलाई मार्जिन हाफ इंच रख रही हूँ, तो आप भी इस तरह से हाफ इंच रख लीजिएगा सिलाई मार्जिन। अच्छे से मैं यहाँ पे लाइन मिला ली हूँ, तो आप भी यहाँ पे लाइन मिला लीजिएगा। देखिए, लाइन जो मिलाए हूँ बिल्कुल उसी के ऊपर से सिलाई लगाऊँगी, तो आप भी बिल्कुल उसी के ऊपर से सिलाई लगा लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर इसकी सिलाई लग चुकी है, बिल्कुल बराबर आया है। ठीक इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएँगे। तो देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ पे टक्स की सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से टक्स की सिलाई लगानी है। हाफ इंच को पकड़ते हुए तिरछे में सिलाई लगा लेंगे, करीबन यही 3.5 इंच की लंबाई। तो देखिए, ठीक इसी तरह हम दोनों तरफ टक्स की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ टक्स की सिलाई लग चुकी है। अब देखिए, हम नीचे की तरफ से थोड़े में तिरछे में कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इसे जो होता है, टक्स लगाने के बाद से थोड़ा सा कपड़ा तिरछा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा साइड से कट कर लेते हैं, जिससे नीचे की पट्टी बराबर हो जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ करीबन 1.5 इंच की पट्टी कट की हूँ। इस पट्टी को अच्छे से हम सिल लेंगे। तो कपड़े को मैं सीधा रखी हूँ, सीधे कपड़े पर इस पट्टी की सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से लगाने के बाद इसको अच्छे से पलट कर इसके ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी। जो सिलाई लगाई हूँ जस्ट बगल में सिलाई लगाऊँगी। लगाने के बाद इस देखिए पट्टी को किस तरह से नीचे की तरफ से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए मैं पूरे पे सिलाई लगा लूँगी। तो आप देख सकती हैं, ये बॉर्डर बनकर तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरह से इसको रख कर आप यहाँ पर तुरपाई कर सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले मोटी सिलाई लगा लेंगे। तुरपाई करने के बाद इसे खोल लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा, देख सकती हैं। तो चलिए, हम इसकी लटकन बना लेते हैं। तो इसकी लटकन कैसे बनानी है, तो देखिए, हमने रेडीमेड डोरी ली हूँ। आप चाहे तो कपड़े की भी डोरी बना सकती हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से इसकी मार्किंग करते हुए अच्छे से इस डोरी को रखते हुए नाप ले लेंगे। जितना चाहिए बड़ा उतना आप रख लीजिएगा। तो देखिए, मुझे जितना बड़ा चाहिए था मैं रख ली हूँ। अब मैं इसकी लटकन बनाने के लिए फैब्रिक की कटिंग कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से 3 इंच की चौड़ाई पे कट कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मार्किंग हो गई है। इसी की मार्किंग पे मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे फैब्रिक की कटिंग हो गई है। तो कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे फ्लावर्स बनाना तो हर किसी को आता है, बहुत ईजी है।
तो देखिए इस तरह से फोल्ड करते हैं, हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्लावर्स बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम पलट लेंगे, इस तरह से कुछ पलट लेंगे। तो देख सकती हैं पलटने के बाद बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह ठीक दूसरा भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों लटकन बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए हम इसको ब्लाउज में अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इसको ब्लाउज में अटैच कैसे करना है, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और दूसरी तरफ भी 3 इंच पे मार्क करेंगे, जिससे दोनों तरफ की डोरी बराबर हो। और कुछ इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकती हैं आप यहाँ पे मैं कैसे सिलाई लगाई हूँ। ठीक इसी तरह आप भी सिलाई लगा लीजिएगा। तो ठीक इसी तरह हम दूसरा भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ की डोरी रखकर तैयार हो चुकी है। इसलिए हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट की पूरी स्टिचिंग आपको बताई हूँ, तो समझ में ज़रूर आया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट की भी मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो चलिए हम यहाँ इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो पहले मैं पफ की सिलाई कर लूँगी कटोरी की। तो कुछ इस तरह से कटोरी की सिलाई कर लूँगी, जो मैं कटोरी की कटिंग की हूँ बिल्कुल उसकी सिलाई करूँगी। तो इस तरह से पकड़ते हुए तिरछे में कपड़े को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करने के बाद 1 इंच को रखते हुए हम बीच में से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कटोरी की सिलाई हो चुकी है। तो ठीक इसी तरह मैं दूसरा की भी सिलाई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे दूसरी भी सिलाई हो चुकी है। तो चलिए हम इसकी साइड के पार्ट को जोड़ते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको पहले देख लेंगे कौन किसका है, और अच्छे से मिलाते हुए हम इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको पकड़ेंगे और इस तरह से पकड़ते हुए तिरछे में कपड़े को लाते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बराबर सिलाई लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल बराबर सिलाई लगकर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा इधर उधर हो जाए तो आप कट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे उसके ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे, जिससे कटोरी का जो पफ होता है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो देखिए यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा जो कपड़ा था, और उसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट की सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ पे हम तिरछे में कटिंग करेंगे। तो आपको कटिंग के समय में कुछ बताई होंगी कि यहाँ पे जो मैं कट की थी सिलाई करने के बाद ये बराबर हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच को रखते हुए तिरछे में कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच भी मैं कट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर नीचे की तरफ से पट्टी की सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से पकड़ते हुए नीचे की तरफ से अच्छे से बराबर मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख रहे होंगे इस वीडियो में कि मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ। ठीक इसी तरह आप भी सिलाई लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद ऊपर से हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हम इसकी पट्टी की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पहले हम इस तरह से बैक पार्ट को रखते हुए बराबर में इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से 1.5 इंच की पट्टी की कटिंग कर रही हो। तो देखिए यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी पट्टी की सिलाई लगा लेंगे। तो उससे पहले हम इसकी यहाँ पे काज बटन वाले जो पट्टी होते हैं उसको हम बराबर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच को मैंने गले की पे डाउन की हूँ, गला का गुलाई में 1 इंच की हूँ। यहाँ पर करीबन 7 इंच चाहिए थे, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे से कट कर दी हूँ। थोड़ा सा नीचे से कट करने के बाद यहाँ पे पट्टी की सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए आपको जो जितना ये काजल बटन वाला पट्टी की लंबाई जितना चाहिए उतना आप रख लीजिएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर लीजिएगा। तो देखिए जितना चाहिए था मैं उतना कट कर कर यहाँ पर पट्टी की सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी पट्टी की सिलाई लगकर तैयार हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे अब गले की पट्टी लगा लेते हैं। तो गले की पट्टी के लिए हम सब तिरछे कपड़े की कटिंग करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हम तिरछे कपड़े की कटिंग कर लेंगे।
और कुछ इस तरह से तिरछे कपड़े को रखते हुए हम इसकी पूरे गले पे गुलाई पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ से जो सिलाई लगाए हैं उसके जस्ट बगल में एक और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी सिलाई लग चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लिए हैं। अब उसको इस तरह से अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। तुरपाई करने के बाद आप खोल सकती हैं या ऐसे भी सिलाई रहने दे सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ पे काज बटन के लिए पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे फ्रंट पार्ट को रखते हुए मैंने पट्टी की मार्किंग कर ली है और उसी के नाप से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है। तो मैं सीधे की तरफ से रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे सीधे की तरफ से रखते हुए सिलाई लगाने के बाद उसको पलट कर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा ली हूँ। और देखिए कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर ली हूँ। इस तरह से फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ से मोड़ कर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए कुछ यहाँ पे कपड़ा छूट गया था तो उसको अच्छे से नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली हूँ। सिलाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पे एकदम फिनिशिंग बराबर सिलाई कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकती हैं यहाँ पे बटन लगाने के लिए मैंने सिलाई लगाई है। तो ये है बाएं साइड का पार्ट। तो चलिए हम दाहिने साइड के पार्ट में भी सेम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस पे बटन लगाया जाता है। वहाँ पे काज बनाने के लिए मैंने सिलाई की थी, यहाँ पे बटन बनाने के लिए। तो कुछ इस तरह से इसको पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ऊपर से नीचे की तरफ से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे गले की भी पट्टी लग चुकी है और नीचे से भी पट्टी की सिलाई हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ से हम नीचे और ऊपर से कपड़े को नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सिलाई लगाए हैं उसके जस्ट बगल में ही एक और सिलाई लगाएंगे और उसके बीच में हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकती हैं यहाँ पे दोनों पार्ट की सिलाई हो चुकी है। तो आपको ये कटोरी डबल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक हम स्लीव्स की सिलाई कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से बॉर्डर के नीचे की तरफ से थोड़े से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ठीक इसी तरह हम दोनों में सिलाई लगा लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों स्लीव्स की सिलाई हो चुकी है। तो चलिए अब हमें इसकी ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैक पार्ट को रखे हुए इसके ऊपर से फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे इसकी शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बराबर में गले को मिलाते हुए यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो डबल सिलाई लगाइएगा। तो देखिए जो सिलाई वाला कपड़ा है एक्स्ट्रा जो उसको इस तरह से दोनों तरफ से फैलाते हुए हम यहाँ पे गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं सिलाई कैसे लगाई। ठीक इसी तरह आप भी इसकी सिलाई लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। ठीक इसी तरह मैं यहाँ पे भी दूसरी तरफ भी सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। कुछ इस तरह से इसको रखते हुए हम इसको बराबर कर लेंगे। तो देख सकती हैं यहाँ पे शोल्डर गले और नीचे के पार्ट को बराबर रखते हुए इस तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। तो आप कटिंग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम फ्रंट पार्ट में हाफ इंच को डाउन करते हुए कटिंग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा आपको कपड़ा दिख रहा होगा जो उसको मैं कट नहीं की हूँ। तो वो बैक पार्ट में वो हाफ इंच एक्स्ट्रा रहता है, फ्रंट पार्ट में हाफ इंच वही डाउन रहता है, इसलिए यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्लीव्स की जो कटिंग की है तो यहाँ पे हाफ इंच डाउन है। तो जो हाफ इंच डाउन है उसको हम रखेंगे फ्रंट पार्ट की तरफ से। तो इस तरह से हम इसको रखते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे पूरे गुलाई में इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आप सिलाई लगाई थी हाफ पे से फिर से दोबारा से सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे पूरी स्लीव्स की सिलाई लग चुकी है। देख सकते हैं बराबर सिलाई आया है। तो ठीक इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी तरफ चलिए देखते हैं सिलाई कैसे लगानी है।
तो देखिए यहाँ पे ठीक इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है, अब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बीच पे रखते हुए हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मार्किंग 6.5 इंच आएगा, तो 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि कमर 25 इंच है। तो इस तरह से हाफ करते हुए 6.5 इंच फिटिंग आया है। और देखिए यहाँ पर करीबन 5 इंच ले लूँगी। देखिए मैं लगभग यहाँ पे 5 इंच ली हूँ, और 5 इंच से इस तरह से देखिए मार्किंग कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा लाइनिंग। और लाइनिंग मिलाने के बाद कुछ इस तरह से इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने डबल सिलाई भी लगा ली है। तो ठीक इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए हम पूरी नाप ले लेते हैं। तो इस तरह से कुछ ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 25 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 27 हो गया है। तो यहाँ पे थोड़े से हम फिर से फिटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1-1 इंच को रखते हुए हम फिर से फिटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से फिटिंग करना है हाफ को मिलाते हुए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पूरे चेस्ट की जो लंबाई है, चेस्ट की नाप पूरा 34 इंच आया है। देखिए 34 का जो पफ है ना कटोरी, ये बड़ा साइज कटोरी है, 34 का बड़ा साइज। तो देखिए यहाँ पे फुल ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको इस फुल ब्लाउज की स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।